नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन और मैं हूं आपके साथ कनिका। आप देख रहे हैं बड़ी खबरें। पंचकुला के बरवाला रायपुर रानी में अवैध खनन माफिया का गुंडा राज, लोगों की जमीनों को खोद रहा अवैध खनन माफिया, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई, ग्रामीण। जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस बोली 15 साल राज करने वाले 15 दिनों का हिसाब मांग रहे हैं। राज्य में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा का भाग्य तय करेगा रोहतक लोकसभा चुनाव। कौशाम्बी में नाबालिग किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला, 11 आरोपियों को सुनाई सजा, लगाया जुर्माना। मेरठ पुलिस ने किया सिपाही की हत्या का खुलासा, आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेरठ में चैंबर में घुसकर वकील को चाकुओं से गोदा, कचहरी में एसएसपी दफ्तर तक हंगामा। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, मोबाइल चोरी को देते थे अंजाम। फरीदाबाद में बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत, टक्कर का वीडियो हुआ वायरल, टक्कर होते ही हवा में उछल गए बाइक सवार दोनों, दोनों की हालत गंभीर। जबलपुर में हिरण नदी पर अवैध उत्खनन, प्रशासन ने मारा छापा, बोट और रेत निकालने के उपकरण जब्त। अमरोह में विकास से कोसों दूर गांव कोंकर सराय, सरकारी दावे सिर्फ कागजों तक सीमित, नरकीय जीवन जीने को मजबूर लोग। मुरादाबाद देहात में युवती की हत्या, आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद। कुरुक्षेत्र में स्वाइन फ्लू के 8 संदिग्ध मामले आए सामने, 2 में पुष्टि, 2 के सैंपल जांच के लिए भेजे। डेराबस्सी में हवलदार मुंशी का झगड़ा छुड़ाने आए ट्रैफिक इंचार्ज को, मुंशी ने मारी गोली, आरोपी हवलदार काले खान को पुलिस ने किया हिरासत में। शामली में सब्जी आढ़तियों ने किया तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन, मंडी सचिव पर लगाया ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप। मिलारी में कासिम सैफी हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सुपारी देकर कराई गई थी हत्या। गाजीपुर में शिक्षा को लेकर दावे हवा हवाए, विद्यालय में बेंच और टेबल नहीं, विद्यार्थी बैठेंगे किस पर, बड़ा सवाल। जबलपुर में गंगा जल की आड़ में गांजे का कारोबार, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जहांगीराबाद में बोले सांसद सुरेश डागर, सपा बसपा गठबंधन करेगा बीजेपी का सुपड़ा साफ। अंडमान और निकोबार में आया 6 तीव्रता का भूकंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड पर बोले शिवपाल, मायावती ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हुआ स्वाइन फ्लू, एम्स में भर्ती। संगम पर नहीं थम रहा डुबकी लगाने वाले आस्तिकों का तांता। मोदी का आज से 3 दिन का गुजरात दौरा, अहमदाबाद में करेंगे शॉर्टिंग फेस्टिवल का उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का पहुंचे अंबाहा, मंदिर में की पूजा अर्चना। तीसरा वनडे कल, भारत के पास ऑस्ट्रेलिया में पहली द्विपक्षीय सीरीज जीतने का मौका। सिद्धार्थनगर में 19 जनवरी को डिप्टी सीएम का दौरा, दौरे को लेकर चल रही हैं तैयारियां। फरीदाबाद में 20 फुट गहरे कुएं में गिरा सैंड, पुलिस ने क्रेन की मदद से निकाला बाहर। इंद्री में समय पर नहीं आती हैं बसें, बसों के ठहराव न होने से नाराज छात्र और ग्रामीण। कौशाम्बी में रहस्यमय हालत में धू धू कर जली कार, चारों तरफ मची अफरा तफरी। मोगा में मेगा कोटकपुर रोड पर सड़क हादसा, 2 महिलाओं सहित 3 की मौत, 3 घायल। तो फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीएमएन।